हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज हम लोग ट्रिपल सी सीरीज में पिछले वीडियो के बचे हुए 11 क्वेश्चंस और नए 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द कोर्स के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। सूचना का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के हिसाब से सूचना का अर्थ क्या है? केवल डाटा, डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, प्रोग्राम। तो क्या होता है कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है डाटा और डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। ठीक है, आपको याद रखना है क्या है, डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है। वह डाटा जिसे प्रोसेस किया जा चुका है उस डाटा के सेट को क्या कहा जाता है? डाटाबेस, नंबर 2 डाटा प्रोसेसिंग, नंबर 3 डाटाबेस, नंबर 4 इन्फॉर्मेशन। जो डाटा हमारा प्रोसेस हो चुका होता है उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। आपको याद रखना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है ये बताना है। तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, 1 नंबर प्लॉटर, नंबर 2 स्कैनर, नंबर 3 जॉयस्टिक, नंबर 4 लाइट पेन। देखिएगा, लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, तो ये एक भी नहीं होंगे। बचा कौन? प्लॉटर। प्लॉटर होगा आपका आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये प्रिंटर के तरीके से वर्क करता है और बड़े बड़े फिगर वगैरह को प्लॉट करने के लिए काम में आता है। इसमें एक से ज्यादा पेन भी होते हैं जो लाइन वेक्टर ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की शेप को ये बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गणना करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसका उपयोग होता है? 1 नंबर पर दिया गया है CU, ठीक है, नंबर 2 पर दिया गया है माउस, नंबर 3 पर दिया गया है ALU, नंबर 4 पर दिया गया है CPU। देखिएगा, CU का काम होता है कंट्रोल करना सिग्नल्स को, इसका नाम ही होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सिग्नल को कंट्रोल करना। माउस ये एक इनपुट डिवाइस है, इसका कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। ALU, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी बोला जाता है। तो इसे हिंदी बोलते हैं अंकगणितीय तार्किक इकाई, यानी कि जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो कहाँ होता है, ALU में। अब अगर ALU और CU ये ऑप्शन में नहीं होते तो फिर हम CPU को बता सकते थे। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या होगा, ALU। आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन हो आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो सबसे कम डाटा को प्रदर्शित करती है? पहले नंबर पर दिया गया है MB, MB बोले तो मेगा बाइट, TB टेराबाइट, GB गीगाबाइट और KB किलोबाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी कौन सी है, KB है। KB आपको ध्यान रखना है, 1 KB में कितने, सबसे छोटी जो इकाई होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, और बिट या तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, बिट या तो 0 होता है या 1 होता है, आपको ये याद रखना है। अब बिट के बाद फिर आता है निबल, ठीक है, और 1 निबल बराबर होता है आपके 4 बिट के। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बाइट, बाइट 1 बाइट होता है वो आपके बराबर होता है 8 बिट के। वैसे बिट के साथ में रिलेशन दिखाया जाता है, निबल बहुत ही कम यूज होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है या फिर 2 निबल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है किलोबाइट की, तो 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट बराबर होता है 2 की घात 10 बाइट, और इसका मतलब होता है 1024 बाइट। इसे लगभग में कई बार 1000 भी लिख दिया जाता है, 1000। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा, कई बार अगर ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ दिया है 1024 नहीं है तो आप 1000 को भी ले सकते हैं। ऐसे ही अब आगे के सेम रिलेशन होते हैं, केवी के बाद होता है एमबी, 1 MB इक्वल होता है 2 की पावर 10 KB यानी कि 1024 किलोबाइट। इसी तरीके से 1 GB बराबर होता है 2 की घात 10 MB, ठीक है, मेगाबाइट, और इसी तरीके से आपका फिर इससे बड़ा जो यूनिट होता है वो होता है टेराबाइट। ठीक है, इससे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, TB, यानी कि 1 TB बराबर क्या होता है 1024 GB। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये होते हैं इनमें रिलेशन। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया DVD डॉट 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 पर आधारित होता है। DVD किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है? USB पेन तकनीकी, चुमकी डिस्क तकनीकी, केवल वीडियो संग्रह करने वाला माध्यम, ऑप्टिकल डिस्क। तो ये जो DVD होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आपका ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी पर आधारित होता है। इसको रीड करने के लिए एक लेंस लगा होता है। अगर आपने DVD प्लेयर देखे हो कभी, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको करनी है तो आप हमें बताइए, हम आपको DVD प्लेयर पर एक न्यू वीडियो लेके आएंगे। इसमें एक होता है लेंस, जो कि उस जो डिस्क को आप लगाते हैं उसको रीड करने का काम करता है। तो ये ऑप्टिकल डिवाइस होती है, कौन सी, डीवीडी। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल तकनीकी पर आधारित होता है। इनमें से डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, इनमें डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है, CD-ROM नहीं होता है, CD-ROM में कम होता है, फ्लॉपी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ब्लूरे डिस्क हाँ इसमें होता है, ब्लूरे डिस्क में आपका डाटा ज़्यादा स्टोर होता है अपेक्षाकृत आपके डीवीडी। ये डीवीडी से काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, ये 10 से 20 GB तक का भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इनमें जो आता है आपका डीवीडी में
वो करीब 4 GB तक का डाटा आपका स्टोर होता है, 4.7 वन साइडेड में 4.7 होता है, डबल साइडेड भी आते हैं लेकिन वन साइडेड में 4.7 GB का डाटा आपका स्टोर हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें सी डी रोम की तो इसमें करीब 450 MB के करीब आता है आपका डाटा, एक्जैक्टली तो नहीं मुझे याद है लेकिन 450 MB के राउंड में होता है, मतलब 1 GB से भी कम डाटा इसमें आता है, आपको ध्यान रखना है। ब्लूरे डिस्क में काफ़ी आ जाता है आपका, 10 GB से ऊपर का डाटा आपका इसमें आ जाता है। ये बहुत ही HD क्वालिटी के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको एक्सेस करने के लिए सबसे कम समय लगता है, कैसे मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम। देखिए मैग्नेटिक बबल मेमोरी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी ये पुरानी टेक्निक्स हैं, ये भी फास्ट मेमोरी के तरीके से यूज होते थे लेकिन ये पुरानी टेक्निक्स हैं, इनका आजकल प्रचलन बंद हो गया है, ये यूज में नहीं है। तो अभी बात करते हैं तो यहाँ पर बचता है हमारे पास रैम और कैसे मेमोरी, ठीक है। तो रैम फास्ट वर्क करता है ये तो सही है लेकिन इन सबसे फास्ट वर्क करता है कैसे मेमोरी, आपको याद रखना है कौन वर्क करता है, कैसे मेमोरी, CSHE कैसे मेमोरी, ठीक है, ये सबसे फास्ट वर्क करता है। और इससे भी फास्ट वर्क करता है रजिस्टर मेमोरी जो कि आपके CPU के अंदर होता है, CPU के अंदर होता है रजिस्टर मेमोरी, वो कैसे मेमोरी से भी फास्ट वर्क करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं .. की परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं, ये किसकी लिमिट है कि उसमें केवल हम डाटा को भर तो सकते हैं लेकिन उसे मिटा या उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अल्टरेशन अलाउड नहीं होता है। देखिए टैप ड्राइव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, नेक्स्ट है सीडी रोम और नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क में तो हम रोज डेली अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपने देखा होगा हार्ड डिस्क पे तो हमेशा आप यही करते हैं, हार्ड डिस्क का काम ही यही होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क पे आप क्या करते रहते हैं, हार्ड डिस्क पे आप डाटा को स्टोर करते रहते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। हार्ड डिस्क पे क्या करते रहते हैं हम लोग, डाटा को स्टोर करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, फिर सेव करते रहते हैं, ये तो हार्ड डिस्क पे होता है। लेकिन सीडी रोम की बात करें तो सीडी रोम में डाटा को सिर्फ और सिर्फ सेव किया जा सकता है, उसमें राइट किया जा सकता है एक बार, उसके बाद उसे ना तो आप मिटा सकते हैं और ना ही उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीडी रोम पर जो डाटा होता है उसे आप एडिटिंग नहीं करते हैं कर सकते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा, सीडी रोम रहेगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सीडी रोम रहेगा। टैप ड्राइव में भी डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता था, भरा जा सकता था और फिर से वापस से इरेज करके दूसरा डाटा भी भरा जा सकता था, फ्लॉपी डिस्क में भी ये पॉसिबल था लेकिन सीडी रोम में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, ये सभी को मालूम होगा इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया परम 8000, परम 8000, दूसरा है ENIAC INIAC, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है परम 6000, परम 6000 और नेक्स्ट दिया गया है परम 10000, 10000। तो इसमें सही जो आपका ऑप्शन है वो रहेगा आपका परम 8000, इसका आंसर क्या होगा, परम 8000, आपको ध्यान रखना है परम ना तो 6000 है और ना 10000 है, आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, परम 8000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर क्या है ये बताना है, तो डिजी लॉकर आपका क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या डिजिटल लॉकर है या वोटर हेल्पलाइन ऐप है या रेलवे रिजर्वेशन ऐप है, क्या है डिजी लॉकर। देखिए पहले इसका पूरा नाम समझ लेते हैं, डिजी लॉकर पहले तो ये समझ लीजिए एक मोबाइल का ऐप है, क्या है, ये मोबाइल ऐप है, इसका काम होता है जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको आप चाहें तो ऑनलाइन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, जिससे आप कहीं भी किसी भी जगह अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएं, डॉक्यूमेंट को आसानी से उपलब्ध कर पाएं, आपके मोबाइल में उपलब्ध रहते हैं, कभी भी आप उनको लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या किसी को दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट डायरेक्टली भी ऐड हो जाते हैं, जैसे आपका आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका डायरेक्टली इसमें अवेलेबल हो जाता है, अगर आप एक बार अपने आधार कार्ड से लॉगिन करते हैं, आपका DL भी इसमें अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, आप अपने पैन कार्ड को भी इसमें रख सकते हैं, पैन कार्ड भी आपका अवेलेबल हो जाता है, ऐसे ही आपके CTET या CBSE के जो मार्कशीट हैं वो आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ पर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है। तो डिजी लॉकर है क्या है, डिजिटल लॉकर है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है आपका डिजिटल लॉकर, जैसे बैंक में हम लोग लॉकर ले लेते हैं और उसमें अपने सामान को रख देते हैं, ऐसे ही ये क्या है ऑनलाइन उपलब्ध होता है, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी को रख सकते हैं और कभी भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन थे जिनमें जो कि पिछले 11 क्वेश्चन रह गए थे, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 14 बताए थे, अब इसके आगे हम लोग 25 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन देखेंगे। ट्रू और फॉल्स से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं ट्रू और फॉल्स किस तरीके के आते हैं। पहला क्वेश्चन है स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एवं ड्रोन कैमरा नवीनतम IT गैजेट्स के उदाहरण हैं, ये आपको बताना है ये सही है गलत है। देखिए स्मार्ट वॉच ये भी नया IT गैजेट है, गूगल ग्लास ये भी आपका IT गैजेट है, ड्रोन कैमरा ये भी आपका IT गैजेट है। गूगल ग्लास जो है वो भी आपका स्मार्ट चश्मा के रूप में यूज होता है, स्मार्ट स्पेक्टिकल्स के रूप में यूज होता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, हम प्रिंट प्रीव्यू में प्रश्नों पर जा सकते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू में प्रश्नों पर जा सकते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, आपका आउटपुट दिखता है, प्रिंट प्रीव्यू में क्या हो रहा होता है, आपका आउटपुट दिखता है और वहाँ पर आप प्रश्नों पर नहीं जा सकते, वहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं, उनको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ALU का उपयोग डाटा को संग्रहित करना है, ALU का उपयोग क्या होता है ये पूछा गया है। ALU का उपयोग होता है डाटा को संग्रहित करने के लिए नहीं, ALU का उपयोग है सिर्फ तार्किक या मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करना। तो ये वाला जो हमारा कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जो डाटा को संग्रहित करने का कार्य है वो किसका होता है, स्टोरेज का होता है, जैसे आपका रैम हो गया, रोम हो गया, HDD हो गया,
SSD हो गया, ये सब क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टैप पर स्टोर डाटा को रैंडम एक्सेस करते हैं। जो मैग्नेटिक टैप पर डाटा स्टोर होता है उसको हम रैंडम नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा पहले जो कैसेट होते थे, जो आपके टैप रिकॉर्ड वगैरह चलते थे, उनमें क्या होता है, जो डाटा होता था वी सिक्वेंसली एक्सेस किया जाता था, क्योंकि जो टैप होता था वो जब तक घूम के वहाँ पर नहीं पहुँच जाता था तब तक उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता था। यानी कि किसी भी जगह पर किसी भी जगह के डाटा को अचानक से नहीं पढ़ा जा सकता, उसमें सिक्वेंसली आता था वो डाटा, आपका सिक्वेंस से चलता था। तो ये मैग्नेटिक टैप में जो डाटा स्टोर होता है उसे हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कथन लिखा है उसमें लिखा है कर सकते हैं या एक्सेस करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्ड डिस्क के दो से अधिक हेड हो सकते हैं। देखिए हार्ड डिस्क जो होता है उसमें एक हार्ड डिस्क के ऊपर जो डिस्क होता है उस पर रीड करने के लिए एक हेड होता है। एक्चुअली क्या होता है, हार्ड डिस्क में एक डिस्क नहीं होता है, कई डिस्क होते हैं, एक के ऊपर एक कई डिस्क बने होते हैं। जैसे ये अगर डिस्क है, इसके नीचे फिर एक और डिस्क होगा, फिर और डिस्क होगा, मतलब एक के ऊपर एक डिस्क बने होते हैं। तो उनके प्रत्येक डिस्क पर एक आपका लगा होता है हेड, जो रीड राइट हेड होता है वो लगा होता है। तो इस तरीके से एक हार्ड डिस्क में कई हेड हो सकते हैं, तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है, यानी कि दो से अधिक हेड हो सकते हैं, तो हमारा ये कथन क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31, एक ही समय में कई विंडो खोली जा सकती हैं। ये पूछा गया है एक ही समय में क्या हम कई विंडो को ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक समय में हम एक से ज़्यादा विंडो को खोल सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का हम चाहें तो एक एमएस वर्ड का खोल रखा है हमने, ठीक है, एमएस वर्ड की भी आप दो फाइल को एक साथ खोल सकते हैं तो दो विंडो आपके ओपन हो जाएंगी। यानी कि एक समय में आप दो विंडो खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है सॉफ्टवेयर का नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम चूंकि ये जो पहला है टॉपिक वो आपके विंडोज़ वगैरह से संबंधित है, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी संबंधित है, तो एक साथ दो ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन नहीं किया जा सकता है, एक साथ दो को नहीं कर सकते। या तो आप विंडोज 7 वर्क कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज 7 पर वर्क कर सकते हैं, या फिर आप विंडोज 10 पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक विंडो पर ही आप काम कर सकते हैं। हाँ ये सही है, आप एक सिस्टम में एक से अधिक विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही विंडो ओपन की जा सकती है। तो ये हमारा जो कथन है वो सही है, एक समय में एक ही विंडो सॉरी एक समय में कई विंडो को खोला जा सकता है, ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू यानी कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। कुकी में क्या होता है, वो डाटा स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। कुकी आपका कैसे के टाइप का होता है, इसमें डाटा स्टोर होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो ये प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करता है, तो यानी कि ये कर सकता है। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना आवश्यक होता है। देखिएगा किसी भी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले उसे फॉर्मेट करना कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसमें डाटा स्टोर करें, उससे पहले उसको फॉर्मेट ही करें। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, ये कथन कैसा हमारा, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय पर एक से ज्यादा ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। आपने सिस्टम में माइक्रो सॉफ्ट का एज जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होता है उसे इंस्टॉल रख सकते हैं, या आप चाहें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी रख सकते हैं, आप चाहें तो गूगल क्रोम को भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अन्य को भी रख सकते हैं, एक साथ आप कई ब्राउजर को ओपन भी कर सकते हैं और कई ब्राउजर को सिस्टम में रखा भी जा सकता है। तो यह कथन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी कि यह कथन क्या है, ट्रू है, सत्य है। ठीक है, एक ALU के पास CPU मेमोरी बोर्ड डिवाइस बोर्ड पावर प्लग होता है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक ALU के पास CPU होता है, मेमोरी बोर्ड होता है, डिवाइस बोर्ड होता है, पावर प्लग होता है, नहीं। ALU क्या है, ये कंपोनेंट है आपका CPU के अंदर का। CPU के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, एक रहता है आपका ALU, एक रहता है मेमोरी और एक रहता है CU। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, ALU मेमोरी और CU। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ALU के भाग नहीं होते, ALU इन सब चीज़ों को नहीं रखता है, ALU सिर्फ CPU का एक भाग होता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है। प्राइमरी मेमोरी में ये कहना चाहते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें डाटा ज्यादा स्टोर किया जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में, बिल्कुल नहीं। देखिए प्राइमरी मेमोरी में जैसे आपका रैम आता है, रैम आपने देखा होगा 4GB 8GB इस तरीके से होते हैं, 2GB 1GB, लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो कम से कम 50GB, आजकल 50GB के बंद हो गए हैं, आपको अब मिलेंगे 300, 350, 400, 500, 1TB। यानी कि इनकी जो स्टोरेज क्षमता होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की उनकी ज़्यादा होती है बजाय प्राइमरी की। यानी कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो लेजर होती है, कम होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से, सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ALU CPU का भाग है। यहाँ पर पूछा गया है ALU CPU का भाग है, बिल्कुल। CPU के तीन भाग अभी मैंने बताए थे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, CPU के तीन भाग होते हैं, एक होता है हमारा ALU, एक होता है हमारा मेमोरी, ठीक है, और एक होता है हमारा CU, ठीक है, कंट्रोल यूनिट मेमोरी और ALU, ये क्या है, CPU के भाग है। इसे पूरे को क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है, वो एप्लीकेशन जो डाटा को प्राप्त करता है क्या कहलाता है, क्लाइंट एप्लीकेशन, बिल्कुल सही। ये जो यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन होते हैं, ये कथन हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई मेमोरी चिप 100KB तक स्टोर कर सकता है, यानी लगभग 1,00,000 बाइट। ठीक है, लगभग 1,00,000 बाइट। देखिएगा 1KB का मतलब होता है 1024 बाइट। ठीक है, अब अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 24, 00, 1,00,000
2400, 1,02,400, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1,02,400, आपको ध्यान रखना है 1,02,400। लेकिन आप कई बार क्या होता है कि जब हम 1 KB में एक सीधा रिलेशन दिखा देते हैं 1,000 byte, ठीक है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ये लगभग में दिया गया आंसर, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, सही है हमारा, ठीक है, ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वीडियो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है, वीडियो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, वीडियो नहीं है, ये हमारा होगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं, वीडियो जो होता है, वीडियो जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है, आउटपुट डिवाइसेस के लिए होता है, ठीक है, दोनों के लिए नहीं होता है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, रैम मेमोरी अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, नहीं, रैम होती है वो हमारी वॉलेटाइल होती है, यानी कि परिवर्तनशील होती है, इसमें आप देखते हैं डाटा जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर रखा है वो करंट टाइम पर रैम पर लोड होता है, जैसे हम उसको क्लोज करते हैं वो रैम से हट जाता है, यानी कि जो रैम होती है वो परिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तनशील नहीं होती है, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 42, टेक्स्ट एडिटर एक फाइल को क्रिएट मॉडिफाई एवं स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल, कोई भी टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे आप नोटपेड है, नोटपेड का अगर हम देख लें तो नोटपेड क्या करता है, नोटपेड में हम फाइल को एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ डाटा जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, लिख सकते हैं, फाइल को क्रिएट करना, नई फाइल को बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, बिल्कुल, ये सारे के सारे कार्य आपके किसी भी टेक्स्ट एडिटर के द्वारा किए जा सकते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा फिर, ट्रू, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 1 KB में 1024 byte होते हैं, बिल्कुल सही, 1 KB इक्वल होता है 1024 byte, ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या है, सही है, ठीक है। एकल बिट द्वारा आप कोई भी दो अलग अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोला गया है, यहाँ पर इनका मतलब है एक बिट के द्वारा हम दो वैल्यू को दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, एक बिट में, एक बिट का मतलब होता है या तो 0 या 1, दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज को दिखाया जा सकता है एक बिट के द्वारा, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो बिट है तो उनके द्वारा 4 अलग अलग चीज़ों को दिखाया जा सकता है, 4 अलग अलग वैल्यू को दिखाया जा सकता है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। कुशलता बढ़ाने के लिए सर्वर आमतौर पर अनुरोधित, यहाँ पर अनुरोधित नहीं है, आपको ध्यान रखना है क्या है, अनुरोधित, यानी कि जो फाइल के लिए रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्टेड फाइल को मेमोरी में, सॉरी, को कैसे मेमोरी में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कैसे मेमोरी में संग्रहित करते हैं, कैसे, कैसे, ये वो कैसे हिंदी वाला नहीं है, ये CACHE, कैसे मेमोरी, ठीक है, आपको याद रखना है, कैसे मेमोरी में संग्रहित करते हैं, बिल्कुल, अनुरोधित फाइल को ये क्या करते हैं, कैसे मेमोरी में संग्रहित कर लेते हैं, जिससे कि, इसीलिए कैसे फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि कुछ चीज़ें जो पहले से पता रहे हैं, तो बाद में जब दोबारा से साइट को लोड किया जाए तो आसानी से उसे हम लोड कर पाएं, आसानी से वो जल्दी से खुल जाए, तो ये रहा, ये हमारा क्या है, ये सही है, इसका ऑप्शन विकल्प, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, आप ध्यान रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है, सिस्टम जो बस होती है उसका प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सीपीयू का यूज केंद्रीय स्विच यानी कि सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए कि सिस्टम में जो बस होती है, एक्चुअली बसेस होती क्या है, बसेस आपकी जो लाइंस होती हैं, जो आपने देखा होगा मदरबोर्ड या किसी भी प्रिंटेड बोर्ड पर जो लाइन देखते हैं, जो एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करती हैं, उनको बस कहा जाता है, ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने का ही काम करती हैं, तो ये हमारा जो हमारा विकल्प होगा, ये हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये हमारा विकल्प क्या है, ट्रू है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, ट्रू है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया एक माउस में 3 बटन होते हैं, एक माउस में कितने बटन होते हैं, 3 होते हैं, आपने माउस देखा होगा, कुछ माउस किस तरीके का होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक यहाँ पर स्क्रॉलर होता है, साइड में एक बटन होता है लेफ्ट में और एक राइट में होता है, तो ये क्या, तो आप कह सकते हैं माउस में कितने बटन होते हैं, एक्जैक्टली 3 बटन होते हैं, एक आपका राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक आपका क्या होता है, स्क्रॉलर व्हील होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट क्लिक को प्राइमरी और सेकेंडरी की भी कहा जाता है, एक्चुअली जो लेफ्ट में बटन होती है उसे प्राइमरी और जो राइट में होती है उसे सेकेंडरी की कहा जाता है, इनको आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है सेटिंग से, ठीक है, आप प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को प्राइमरी बटन बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, डाटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, आप देखते हैं हम यहाँ से बैठ के अमेरिका के किसी व्यक्ति को ईमेल कर सकते हैं, यानी कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी हम डाटा भेज सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाटा संचार में सूचनाएं हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो रही हैं, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और इसका भी आंसर ट्रू है क्योंकि माउस में 3 बटन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर है, देखिएगा इन्हीं एक पहला डिजिटल कंप्यूटर है, इसके पहले भले ही अन्य कंप्यूटर बने लेकिन वो सारे के सारे कैसे थे, मैकेनिकल थे, ठीक है, मैकेनिकल कंप्यूटर थे, लेकिन ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का यूज किया गया था, और कह सकते हैं पैटेंट के हिसाब से ये पहला माना जाता है ENIAC, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1101011@2 का डेसिमल समकक्ष क्या है, यानी कि ये बाइनरी नंबर दिया गया है आपको 1101011@2, इसका बेस कितना है, 2 है, अब इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे इसका डेसिमल में इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी कि दशमलव में इसकी मान क्या होगा, दशमलव पद्धति में इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा
आपको क्या करना है, जितनी जगह एक है पहले वाले एक से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले एक के लिए आप क्या कर लेंगे, जीरो रख लेंगे, अगले वाले में बस दोगुना करते जाना है, इसमें क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब क्योंकि ये जीरो है तो जीरो में दो का गुणा करेंगे तो ये मतलब इसका दोगुना का गुणा करेंगे, ये दो है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अब चार का अगले वाले का क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, चार दुनी आठ तो इसमें आठ का गुणा होगा एक में। अब आगे इस वाले जीरो में कितने का होना है, सोलह का, आठ दुनी सोलह तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर फर्दर क्या करना है, फिर सोलह का दोगुना बत्तीस, बत्तीस का इसमें गुणा करेंगे तो ये बत्तीस हो जाएगा। अब बत्तीस दूनी चौंसठ, इस वाले एक में चौंसठ का गुणा किया। अब बस हमें क्या करना है, इनको सबको जोड़ लेना है, ठीक है, दो आठ दो दस, दस और ये कितना है बत्तीस, दस और बत्तीस हो गया बयालीस, और बयालीस में आपको जोड़ देना है कितना, चौंसठ, ठीक है, बयालीस में चौंसठ जोड़ दीजिएगा, चार दो छः और छः चार दस, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पर पहला डिजिट जीरो नहीं है, इसमें दो की घात जीरो यानी कि एक का मल्टीप्लाई करना होता है, पहले के लिए हम वन लिखते हैं तो ये हो गया वन जीरो सेवन, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको वन जीरो सेवन, यानी कि ये हमारा ट्रू है। अगर आपको कैसे बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं ये सीखना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बना देंगे, जिसमें आपका डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से बाइनरी, इन सब में आपस में कन्वर्जन दिखा देंगे। चार सिस्टम होते हैं, चार नंबर सिस्टम चलते हैं, एक होता है आपका डेसिमल, एक चलता है ऑक्टल, एक चलता है हेक्साडेसिमल और एक चलता है बाइनरी। इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित मिलेगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं, आपके ट्रिपल सी में भी आते हैं, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।